एवरीवन, आई एम विजय मौर्य। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना, दो चीज़ें बताता हूँ। पाँच पाँच, अभी पाँच पाँच क्या है? पाँच मिनट और पाँच स्टेप्स आपका पीएफ विड्रॉल। यस, पाँच मिनट पाँच स्टेप्स पीएफ विड्रॉल। तो अब आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, समझेंगे कि कैसे आप पाँच मिनट में पाँच स्टेप्स के साथ अपने पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से ऐसे पांच स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले हम पांचों स्टेप्स को देखेंगे वन बाय वन। पहला स्टेप्स यहाँ रीड करेंगे, फर्स्ट स्टेप को देखेंगे, रीड करेंगे और फिर हम ऑनलाइन भी जाएंगे। तो यहाँ साइड में मैं आपको पीएफ का जो होम पेज है वो भी ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ देखेंगे epfindia.gov.in, ये वेबसाइट है। वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। आपको सिंपल यहाँ टाइप करना है www.epfindia.gov.in। जब आप इसको टाइप करेंगे आपका आपके पास ये फर्स्ट पेज आ जाएगा, देखिए ये, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऑनलाइन क्लेम मेंबर ट्रांसफर, राइट। कहाँ क्लिक करना है? ऑनलाइन क्लेम मेंबर ट्रांसफर। मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, आपको यहां पर क्लिक करना है इस जगह ऑनलाइन क्लेम ट्रांसफर, ठीक है, ऑनलाइन क्लेम ट्रांसफर। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे, सपोज कीजिए मैंने यहां पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये विंडो आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इस विंडो में आपको सबसे पहले अपना यूएन नंबर और पासवर्ड यहां डालना है। जिनके पास यूएन नंबर नहीं है वो यहां से क्रिएट कर सकते हैं और जिनके पास है वो अपना पासवर्ड यहां से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना आईडी एंड पासवर्ड डालना है, यहाँ से एक्टिवेट कर लेना। अगर आपको ये नहीं पता कि एक्टिवेट कहाँ से कैसे करते हैं तो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा और आपके पास आपका पासवर्ड रिसेट, मतलब जिनके पास पासवर्ड नहीं है उनको पासवर्ड मिल जाएगा और जो पासवर्ड भूल गए वो फॉरगेट पासवर्ड यहाँ से कर सकते हैं, क्लियर। और अगर आपके पास यूएन नंबर नहीं है तो आपके लिए ये ऑप्शन है। सो आपको सबसे पहले यहां पर अपना आईडी एंड पासवर्ड डालना है। सो मैंने यहाँ यूएन नंबर लिखा, देन पासवर्ड, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर जो कैप्चा कोड है इसको आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, राइट। जब आप इसको यहाँ एंटर कर देंगे एंड फिर आपको क्लिक करना है यहाँ साइन इन पर। साइन इन पर क्लिक करने के बाद समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलती हुई है, दोबारा ट्राई करते हैं। और यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड ऐसे करके एंट्री करना है एंड साइन इन पे क्लिक करना है, ओके। सो ई नॉमिनेशन के लिए तो इसको नहीं करना, अगर आपको करना हो तो नॉमिनी अपडेट यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, आप हमारे होम पेज पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर वो वीडियो। आपको यहाँ पर देखना है हमारे जो वीडियो जो मैं बता रहा था आपको लिंक, आप यहां पर आकर देखेंगे, इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला हाउ टू अपडेट यू दी केवाईसी एंड डेट ऑफ एग्जिट एंड एवरीथिंग। इस वीडियो में आपको यहां पर मिल जाएगा कि कैसे आपको यहां पर अपना ये क्रिएट करना और अपडेट करना है, इसके लिए अलग से वीडियो है। सो हम यहां पर जो सीखेंगे वो है विड्रॉल, ठीक है। पांच स्टेप्स कौन से और एक एक करके इसको देखेंगे, ठीक है। नाउ द फर्स्ट स्टेप कौन सा आता है, पहले सबसे पहले देखते हैं कि पांचवें स्टेप में से पहला स्टेप कौन सा है। यहाँ पर पहला स्टेप है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्लू क्लियर लिखा है, ये वाला देखिए आप, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन पर हम कब आएंगे, उससे पहले हमें यहाँ पर epfindia.com या epfoindia.gov.in जो भी आपको वेबसाइट ओपन करनी हो कर सकते हैं, दोनों वेबसाइट सेम ही है, बट आप epfindia.gov.in खोलना, .com खोलेंगे तो भी यही वेबसाइट आएगी, ठीक है। नाउ अब स्टेप नंबर वन क्या कहता है आपको, यहां पर अगर आप देखेंगे स्टेप नंबर वन में लिखा है विजिट द ईपीएफ ऑफ यूनिफाइड मेंबर पोर्टल, लॉग इन इन टू द अकाउंट यूजिंग योर यूएन नंबर एंड पासवर्ड, राइट। अच्छा, यूजिंग अपना अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड अपने अकाउंट को यूज करना है, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। सो हमने अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
देन अंडर द टैब ऑनलाइन सर्विसेज सेलेक्ट द ऑप्शन क्लेम 31-19-10C। अब आपको यहां पर क्या करना है कि जो आपका ऑनलाइन सर्विस क्लेम स्टेटस है यहां पर क्लिक करना है और देखिए क्लेम फॉर्म 31-19-10C and 10D, ये चारों फॉर्म आपके यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपको यहां पर क्लिक करना है। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे, यहां क्लिक करने के बाद सिस्टम आपसे पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कौन सा क्लेम करना चाहते हैं, 31 किस लिए है, 19 किस लिए, 10C किस लिए, 10D किस लिए, ये चारों फॉर्म किस चीज के लिए होते हैं, कब कब हम इनको अप्लाई करते हैं, इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, आप वहां पर देख सकते हैं। आज हम सीख रहे हैं कि पीएफ विड्रॉल कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ दो फॉर्म यहाँ पर लेने हैं। ठीक है, 19 और 10C, 19 और 10C से आपका पूरा फॉर्म विड्रॉल फुल हो जाता है। जिनको भी पूरा फुली विड्रॉल करना है वो 19 और 10C फिल कीजिए, और जिनको पार्शली विड्रॉल करना है, थोड़ा सा काम है पैसा निकालना, उनके लिए 31 है। ठीक है, और 10D उनके लिए होता है कि जब आपको अपना पैसा निकालना है, एक एज रिटायरमेंट एज से पहले, आप 55 ईयर एज होने, मतलब 58 से पहले 55 पर जाने के बाद अगर आपको पूरा पैसा निकालना है तो उसके लिए 10C नहीं है, 10D है, क्योंकि 10D जो फॉर्म होता है वो 10 साल के बाद फिल किया जाता है। अगर आपने 10 साल से ज़्यादा सर्विस की अपनी कंपनी में तो आपको 10D फिल करना है, और 10 साल से कम सर्विस है 10C। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है कि आपका नेम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे आपका फादर्स नेम है ना, और आपका बैंक अकाउंट नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, सब कुछ यहाँ पर अपडेटेड है। ठीक है, नाउ अब आपको करना क्या है, सिस्टम ने आपसे पूछा है यहाँ पर क्या डालना है, आपको लास्ट की 4 digits डालनी है आपके बैंक की। तो यहाँ पर आप लास्ट के 4 digits एंटर करना और वेरीफाई कर देना। वेरीफाई करने के बाद ये आपसे एक वार्निंग यहाँ पर आ जाएगी, इसको आप यस कर देना। ये एक आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि आपका जो अकाउंट है, नंबर है, और आपको, आप उसे एग्री करते हो कि वो बिल्कुल करेक्ट है ये अकाउंट नंबर। ठीक है, जब पैसा आपका विड्रॉल होगा तो इसी अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये जरूर चेक कर लेना ये अकाउंट नंबर आपका कौन सा है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका कोई पुराना अकाउंट यहाँ अपडेटेड हो और वो अकाउंट आपने बंद करा दिया हो। ठीक है, ये जरूर देख लेना आप, यहाँ पर कर देना आप यस। जब आप यस क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, ऑनलाइन फॉर प्रोसीज फॉर ऑनलाइन क्लेम। ये देखिए, थोड़ा मैं इसको और बड़ा करके दिखाया था आपको, ये देखिए यहाँ पर प्रोसीज फॉर ऑनलाइन क्लेम, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो सिस्टम आपको यहाँ पर डिटेल क्या क्या दिखाएगा, देखिए मोबाइल नंबर है, अकाउंट नंबर है, आपका नेम हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, मतलब मैं किसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। आपको पैसा निकालना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पीएफ एडवांस के लिए ऑप्शन आ रहा है, इट मींस ये जो एम्प्लॉई है मिस्टर संजय, ये अभी इन्होंने कंपनी छोड़ी नहीं है। ठीक है, अगर ये कंपनी छोड़ देते और इनका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाता तो यहाँ पर इनके पास फॉर्म 19 और 10C भी आता। उसकी फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर दो फॉर्म और आते हैं, कैसे आएंगे यहाँ पर, ये देखिए ये सेम वही पेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर ये कंपनी छोड़ देते तो ये देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल 19, ये आपको लेना था, और उसके बाद फिर आपको लेना है पेंशन विड्रॉल ये वाला। ठीक है, ये दोनों फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है, 19 और 10C। यस, एक चीज ध्यान रखना, आपको फॉर्म दो बार सबमिट करना है, 19 और 10C, क्योंकि आपका जो पीएफ का पैसा होता है वो दो जगह होता है, एक एम्प्लॉई का पार्ट होता है और एक एम्प्लॉयर का। ठीक है, ये वाला जो 19 होता है इसके अंदर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का होता है, और 10C के अंदर सिर्फ कंपनी का पार्ट होता है। तो दोनों को अप्लाई आप करना अगर आप पूरा पैसा अपना निकालना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप पार्शियली विड्रॉल करना चाहते हैं, फॉर्म नंबर 31 फिल कर लेना। आपको सिंपल क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए मैंने 31 यहाँ पर लिया, ठीक है, आप यहाँ पर 19 और 10C ले लेना। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, ये आपसे पूछेगा कि क्या रीजन है, क्यों निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पार्शियल विड्रॉल के लिए आउटब्रेक का ऑप्शन आ रहा है, कोविड 19, जो अभी आपको पता है सिचुएशन है
लॉकडाउन की, उनके लिए ऑप्शन ये वाला है। यहाँ से आप पार्शियली विड्रॉल कर सकते हैं क्लिक करके कि कितना पैसा आपको निकालना है। सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर 45,000 रुपीज़ निकालने हैं तो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। और 19 और 10 सिर्फ सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा, क्योंकि आप पूरा विड्रॉल कर रहे हैं। जब आप पार्शियली विड्रॉल करते हैं तभी ऑप्शन आता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ से ब्राउज करना है। ब्राउज क्या करना है, स्कैन कॉपी ऑफ चेक और पासबुक। एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आपकी जो भी स्कैंड कॉपी होगी उस चेक के ऊपर आपका नेम प्रिंटेड होना जरूरी है। अगर आपका नेम प्रिंटेड नहीं है तो सपोज कीजिए इनका नेम है मिस्टर संजय कुमार, तो संजय कुमार मौर्य, तो आपको इनका पूरा जो नेम है जब ये अपना ये चेकबुक अपलोड करेंगे तो पूरा नेम इस पर होना चाहिए। अगर खाली संजय कुमार लिखा है तो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास चेकबुक नहीं है नेम प्रिंटेड तो पासबुक निकाल लीजिए, ऑनलाइन पासबुक लगा लीजिए, पासबुक के ऊपर आपका नेम प्रिंटेड होना चाहिए। देखिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नेम हो गया और IFSC कोड हो जाएगा और बैंक अकाउंट नंबर, ये होना उस पर जरूरी है। करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर क्लिक करना इस चेकबॉक्स पर, और यहाँ पर आप करेंगे गेट आधार OTP। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास मोबाइल पर एक OTP आएगा, ये ऑथेंटिकेट करता है कि आप ही ने PF विड्रॉल किया है, आपके द्वारा ही PF विड्रॉल किया गया है। यहाँ क्लिक करके OTP नंबर आएगा, डालना और सबमिट कर देना, आपका जो विड्रॉल है वो एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। और अगर आप 19 एंड 10 सी सिलेक्ट करते हैं फॉर्म नंबर, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है 19 एंड 10 सी, तो आपको दो बार फॉर्म सबमिट करना पड़ता है क्योंकि आप फुली विड्रॉल कर रहे हैं। पार्ट पेमेंट करना है तो 31 और पूरा पैसा निकालना है तो 19 और 10 सी दोनों, ठीक है, ये दोनों आपको सबमिट करना है। यही पांचों के पांचों स्टेप्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आप देखेंगे पहला स्टेप है लॉगिन करना है, हमने लॉगिन किया, 31, 19, 10 सी इनमें से कौन सा फॉर्म में लेना है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर किया OTP के लिए, और फिर आप देखेंगे सिलेक्ट ऑप्शन आई वॉन्ट टू अप्लाई, हमने क्या किया फॉर्म नंबर 19 लिया PF मनी के लिए, EPS 10 सी यानी कि ये भी PF मनी के लिए है, और फॉर्म नंबर 31 पार्शियली विड्रॉल जो ही मैं आपको ये वाला दिखा रहा हूँ। जिनको नहीं पता फॉर्म नंबर 19 10 सी किस लिए होता है, 31 किस लिए होता है, आपको मैंने यहाँ पर डिटेल में दे रखा है। 19 PF पैसा आपका PF आ जाएगा, EPS फॉर्म 10 सी इससे आपका पेंशन का पैसा आ जाता है, और अगर पार्शियली विड्रॉल करते हैं तो फॉर्म नंबर 13 है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर ये है आपका 4, जब आप पार्शियली विड्रॉल करते हैं, ठीक है, ये वाला जो हमने भी यहाँ पर किया है देखेंगे आप, इस जब आप पार्शियली विड्रॉल करते हैं तो फॉर्म नंबर 15G नहीं पूछता आपसे। ये फॉर्म नंबर 15G होता क्या है, फॉर्म नंबर 15G बेसिकली सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि आपकी कोई अदर इनकम तो नहीं है। अगर आप फॉर्म नंबर 19 और 10 सी लेंगे तो फॉर्म 15G पूछेगा, एल्स नहीं पूछेगा। नेम प्रिंटेड चेक लगाना है, बैंक स्टेटमेंट लगानी है, डन। एंड उसके बाद लास्ट में आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में आप आएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद गेट आधार OTP करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने फाइनली यू नीड टू एंटर रिसीव्ड OTP, यू विल रिसीव इट ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देन सबमिट। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर आएगा और वहाँ से आप सबमिट कर देना। ये सिंपल से 5 स्टेप्स है और पांचों स्टेप फॉलो करके आप अपना पूरा का पूरा पैसा इजिली विड्रॉल कर सकते हैं, और आपको किसी के पास नहीं जाना है, घर बैठे बैठे इजिली आप अपना पैसा यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम का नंबर मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करेंगे। कॉन्टैक्ट अस फॉर HR सर्विस एंड ट्रेनिंग, ये देखिए नंबर है 8527274343 9871679091। दोनों नंबर पर कॉल कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी इंटायर टीम का नंबर दे दूंगा, वहाँ और भी नंबर होंगे, वहाँ भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये हमारी ईमेल आईडी है info@sapovis.com, यहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिनको भी PF विड्रॉल करना है आप उनके साथ ये हमारी वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट वो अपना PF ईजिली विड्रॉल कर सकें। और अगर आपको और भी कोई अपडेट फ्यूचर में HR से रिलेटेड
या पीएफ से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट, कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिंपल सा सब्सक्राइब पर क्लिक करना है और आपके पास जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे एक नई नॉलेज के आपकी नॉलेज इनहेंस हो जाएगी, क्योंकि नई नई चीज़ें आती रहती हैं, हम उस पर वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। और नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगा आपको इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। विजय मौर्या, टीम सपोवेज HR।